हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एयर टिकटिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सचेंज या री इश्यू। सबसे पहले हम समझेंगे एक्सचेंज होता क्या है। एक्सचेंज का मतलब होता है बदल के दूसरा चीज लेना। तो एयर टिकटिंग में एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो आपने टिकट इशू किया उसको बदल के दूसरा टिकट आप इशू करने जा रहे हैं। तो इसकी जरूरत कब पड़ती है और इसकी जरूरत किसे पड़ती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने जाएंगे इस टॉपिक में वन बाय वन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एयर टिकटिंग में एक्सचेंज का मतलब होता क्या है। मान लीजिए किसी पैसेंजर ने दिल्ली से दुबई का टिकट लिया है 15 दिसंबर का और वापसी की टिकट लिया उसने 15 जनवरी का। अब वो आपको फोन करके बोलता है कि मुझे अपना डेट चेंज करवाना है, मुझे जो जाना है अब मुझे जाना है 20 दिसंबर को और जो मेरी वापसी की टिकट होनी चाहिए वो 20 जनवरी की होनी चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल चेंज करवा रहा है पैसेंजर, या अपनी आइटनरी को वो चेंजेस करा रहा है या मॉडिफिकेशन करा रहा है। तो कस्टमर किसी भी तरीके से आपको बोल सकता है, वो आपको बोल सकता है कि मुझे डेट चेंज करवानी है या मुझे जर्नी को पोस्टपोन करवानी है। अब सवाल ये होता है कि जो टिकट हमने पहले इश्यू कर रखा है क्या उसी में हम डेट चेंज कर सकते हैं? अगर हम उसी में डेट चेंज कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को रीवैलिडेशन बोला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एयरलाइंस रीवैलिडेशन के लिए मना कर देती है। वो ये बोलती है कि आपने जो फेयर लिया है उसमें डेट चेंज तो अलाउड है बट रीवैलिडेशन अलाउड नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है, एयरलाइन आपको बोल रही है कि आपको नया टिकट, न्यू टिकट इशू करना होगा। तो जब आप पुराने टिकट को इनवैलिड करके नए टिकट को बना के आप देते हैं तो इस प्रक्रिया को अमेडियस में, गैलीलियो में या सैबरे में एक्सचेंज बोला जाता है या री इशू बोला जाता है। ये एक एडवांस लेवल का एयर टिकटिंग का पार्ट होता है। तो आज हम सीखेंगे कि एक्सचेंज कितने तरीके का होता है और एक्सचेंज में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, एक्सचेंज में हम नया टिकट इशू करते हैं और ये हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई फेयर डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। जो टिकट हमने इशू किया उसकी कॉस्ट, अब जो हम नया टिकट इशू करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट, क्या उन दोनों में कोई फर्क तो नहीं है? और अगर फर्क है तो हमें कितना पेनल्टी लेनी है और कितना डिफरेंस लेना है, ये कैलकुलेशन आपको करना होता है। इसके बाद आपको बुकिंग में चेंजेस करनी होती है और चेंजेस करने के बाद फिर जाकर के आप एक नया टिकट इशू करते हो। तो ये जो भी चीजें आप करने जा रहे हो ये सारी की सारी चीजें आपको जीडीएस में करनी होती है। मैं आपको बता दूं, B2B पोर्टल पे डेट चेंज करने की फैसिलिटी नहीं होती है, ना ही किसी yatra.com, मेक माई ट्रिप, कोई भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट है तो उसमें आपको डेट चेंज करने की फैसिलिटी नहीं होती है। नॉर्मली पैसेंजर क्या करते हैं, अगर उनको डेट चेंज करना है तो उनको अपनी पुरानी बुकिंग कैंसिल करनी होती है। पुरानी बुकिंग कैंसिल करने के बाद उनको अपनी एक फ्रेश टिकट इशू करनी होती है। तो ये एक तरीके से पैसेंजर का नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब वो टिकट कैंसिल करता है तो कैंसिलेशन चार्जेस भी लग जाती है और जो फ्रेश टिकट इशू करता है तो वहां पे उसको नया फेयर तो देना ही पड़ता है, प्लस सर्विस फीस भी उसको दोबारा से देनी पड़ती है। तो आप जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं या एयर टिकटिंग के स्टूडेंट हैं, तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप अगर डेट चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप टिकट को एक्सचेंज या री इशू करवाने की कोशिश करें। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सचेंज कितने तरीके का होता है। एक्सचेंज मेन आपको चार तरीके का होता है। पहला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इवन एक्सचेंज, मतलब कि आपने जो पुराना टिकट लिया और जो नया टिकट, दोनों का फेयर सेम टू सेम हो गया। जब आपने डेट चेंज किया 15 से 20 दिसंबर और 15 जनवरी से 20 जनवरी, तो आपने देखा कि सिस्टम आपको बता रहा है कि कोई पेनल्टी नहीं है और फेयर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मतलब आपको सेम फेयर मिल गया, आप लकी हैं, इसलिए एयरलाइन आपसे कोई भी चार्जेस नहीं मांग रही है, इसलिए इसको इवन एक्सचेंज या निल एक्सचेंज बोला जाता है और ये बहुत कम देखने में आता है।
दूसरा ये सबसे ज्यादा होता है। जब आपने डेट चेंज किया तो इस डेट चेंज करने की वजह से क्या हुआ कि आपका पुराना फेयर लोअर हो गया और जो नया फेयर है वो हायर हो गया, महंगी कीमत पे आ गया। तो डेफिनेटली एयरलाइंस आपसे दोनों फेयर का डिफरेंस मांगेंगी और हो सकता है कि आपसे पेनल्टी भी मांगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जो तीसरी चीज है उसको हम लोग बोलते हैं रिफंड एक्सचेंज, यह आमतौर पर बहुत कम होता है क्योंकि जितने भी स्पेशल फेयर होते हैं सारे के सारे नॉन रिफंडेबल होते हैं, तो एयरलाइंस रिफंड करती नहीं है, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे। तो रिफंड एक्सचेंज में क्या होता है कि आपका जो नया फेयर है वो कम हो जाता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? यस, फर्ज कीजिए कि आपने 20 दिसंबर की टिकट ली, अब आप डेट चेंज करा रहे हैं इसको 20 मार्च के लिए, 3 महीने बाद का, तो डेफिनेटली 3 महीने बाद का अगर आप फेयर लेते हैं तो फेयर आपको तो सस्ता मिलेगा, तो इस केस में एयरलाइंस को रिफंड देना पड़ेगा अगर टिकट रिफंडेबल है तो। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन आता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफंड विद क्रेडिट वाउचर, यानी कि आपने डेट चेंज तो करवा लिया और डेट चेंज करवाने से क्या हुआ, आपका फायदा हो गया, फेयर कम हो गया, तो फेयर कम हो गया बट द प्रॉब्लम इज कि जो आपकी पुरानी टिकट थी वो नॉन रिफंडेबल थी, इसलिए एयरलाइन बोलेगी हम रिफंड आपको नहीं देंगे, हम क्रेडिट वाउचर देंगे और इस क्रेडिट वाउचर की वैलिडिटी 6 महीने या 1 साल जो भी होगा उसके हिसाब से नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा आप हमसे टिकट परचेज करेंगे तो वो क्रेडिट वाउचर आपको सेटल कर दिया जाएगा। तो ये 4 तरीके के एक्सचेंज होते हैं। तो आई होप कि आपको एक्सचेंज के बारे में एक अच्छे से आपको नॉलेज मिला हो और हम आगे बढ़ेंगे और इस पे और भी डिस्कस करते हैं। अब इसको करें कैसे, अगर आप GDS पे काम कर रहे हैं, गैलीलियो मीडिया सेबरे पे काम कर रहे हैं, तो करें कैसे, क्या क्या सावधानी बरते, क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और अगर आप एक्सचेंज में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप कोई भी GDS पे अच्छे से काम कर पा रहे हैं। सबसे पहला है कि आप PNR ओपन करें। PNR ओपन करने के बाद सबसे पहला काम करें कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट का स्टेटस चेक करें। स्टेटस आपको ओपन होना चाहिए, ये फ्लोन या रिफंड या वॉइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि स्टेटस अगर ओपन होगा तो टिकट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी तक कस्टमर ने अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं की है। नंबर 3, सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल फेयर चेक करना होगा। क्यों चेक करना होगा? क्योंकि जब आपने टिकट इश्यू किया था उस दिन कितना फेयर था और उस फेयर का पेनल्टी कितना है, वो सारी चीजें आपको देखनी होगी और देखने के बाद आपको कस्टमर को बताना होगा कि सर इतना फेयर डिफरेंस आ रहा है और प्लस में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अगर कस्टमर कहता हाँ ठीक है मैं तैयार हूं, तो आपको PNR में डेट चेंज करना चाहिए। डेट चेंज करने के बाद फिर से PNR को आपको प्राइस करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो PNR जो बनी हुई है पुरानी टिकट पे बनी हुई है, तो आपको PNR तो आपका वही रहेगा। कई लोग पूछते हैं कि सर PNR बदल जाएगा क्या? नहीं, PNR तो वही रहेगा, उसी PNR में हम करने जा रहे हैं, तो PNR हमारा वही रहेगा, बस हमें टिकट को नया इशू करना है। तो आप क्या करेंगे, डेट को चेंज करेंगे PNR में, और PNR में डेट चेंज करने के बाद PNR को फिर से आप प्राइसिंग करेंगे। जब फिर से आप प्राइसिंग करेंगे तो आपको नया फेयर आ जाएगा PNR में और तब जाकर के आप उसको टिकट को आप इशू करेंगे। तो लास्ट में जो भी लोग इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा। इंटरव्यूअर आपसे कई बार पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज एंड रीवैलिडेशन, तो आपको बोलना है कि सर इन एक्सचेंज वी इश्यू अ न्यू टिकट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टिकट, और रीवैलिडेशन में आपको बोलना है सर वी डू नॉट इश्यू अ न्यू टिकट, वी चेंज द डेट इन द ओल्ड टिकट बाय टेकिंग सम पेनल्टी और फेयर डिफरेंस, बस इतना ही आपको बोलना है। तो आज इस वीडियो में जो मैंने चीजें आपसे डिस्कस की है, उम्मीद है कि आपके नॉलेज के लेवल को बढ़ाएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो, और GDS की ट्रेनिंग के लिए, एयर टिकटिंग के लिए, किसी भी तरीके के ट्रेवल टूरिज्म की सर्विस के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी नॉलेज लेवल को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।